क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। संध्या, संध्या, ये मेरा प्यार है, तुम नहीं। मुझे बोल देती, मैं खुद ही पीछे हट जाता। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया संध्या, सच्चे दिल से। हमेशा यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या करो कि तुम मेरी हो जाओ, मुझसे प्यार कर बैठो। उसका तुमने ये सिला दिया। मेरे बच्चे की खबर सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और खुश नहीं चाहिए। तुम जो भी जैसा भी बर्ताव करोगे मेरे साथ, सब सह लूंगा, खुशी खुशी सह लूंगा। कौन सा बच्चा? ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। ये आकाश का बच्चा है। और मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं है गौतम। छोड़ी नहीं रहे, छोड़ 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 मुझे। आकाश, संध्या क्या लगती है तू? नजर ना लग जाए किसी, काला टीका लगा लेती हूँ। वैसे तेरी जैसी खूबसूरती ना किसी के भी पास नहीं है। अरे गौतम बेटा, तैयार हो गया? माँ प्रणाम। माँ खुश रहो, चल आजा नाश्ता कर ले। माँ वो संध्या को तो आने दो, आपको तो पता है मैं उसके बिना नाश्ता नहीं करता। संध्या, अरे ओ संध्या, अब नाश्ता कर लो, अब इतना भी क्या तैयार होना है, स्कूल जा रही है कहीं और। इस घर में तो चैन से तैयार भी नहीं हो सकते। संध्या, संध्या माँ का वो मतलब नहीं था। उनका क्या मतलब था ना, मुझे अच्छे से पता है। और ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। क्यों इंतजार करते हो मेरा? खा लिया करो ना चुपचाप। इनको तो प्रॉब्लम ही है मुझसे, जलती है ये मेरी खूबसूरती से। संध्या बकवास बंद कर। बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। आपका बेटा लल्लू ला ले तो मैं क्या करूँ? कहां फंस गई शादी करके, सूरत ना शक्ल, हम मर्दों वाली तो एक भी बात नहीं है। अपनी हद में रह के बात कर, समझी? माँ शांत हो जाओ। संध्या, संध्या सुनो, अपनी माँ को समझाओ। संध्या, संध्या, संध्या सुनो, नाश्ता तो करके जाओ। संध्या Thank you.
वो भूखी चली गई है और मैं कैसे नाश्ता कर सकता हूँ? तू कितना प्यार करता है उसे, और वो दिन का भर भी तुझसे प्यार नहीं करती। गौतम, प्राची, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है संध्या, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। तेरा पति बहुत लकी है कि उसे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। सही का, वो लकी और मैं अनलकी। ऐसा क्यों बोल रही है? वो तो बहुत ही शरीफ सीधा साधा सा इंसान है ना, ऐसा पति तो सबको चाहिए। चाहिए होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं तो हमेशा से ही स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम, माचो मैन जैसा पति चाहती थी, पर क्या मिला? ये लल्लू लाल। यार इसमें तो कोई ऐप भी नहीं है, मतलब ना तो दारू पीता है ना सिगरेट पीता है, अपनी मम्मी की हर बात मान लेता है, मेरी हर बात मान लेता है। मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग है, इसका कोई अफेयर भी नहीं है। हद है तेरी संध्या, हर लड़की को ऐसा पति चाहिए। संध्या मुझे हैरानी होती है तेरी सोच पर। अब ये सारा लेक्चर तू मुझे ही देगी या क्लासरूम के लिए भी बचा के रखी? चल बाय बाय। ऊपर वाले ने तो इसे बिल्कुल फुर्सत से बनाया। माचो मैन हूं तो बिल्कुल इसके जैसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। प्रिंसिपल से कह दूंगी ना अगर मैं, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो चली जाए नौकरी, और वैसे भी ऐसे हंसी पल के लिए ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। इस दिन से पूछो ये कैसे कटते हैं ये दिन तुम्हारे बिन। बस तुम्हारी यही तो बातें जो मेरा दिल बार बार जीत लेती है। कसम से छोड़ देता हूँ। जी नहीं सर, मैं चली जाऊँ। क्यों इतनी गर्मी में अपने खूबसूरत पैरों को तकलीफ दे रही? गौतम बेटा आ गया? हाँ हाँ माँ। मैंने तुम्हारे लिए चाय बना कर रखी है, आ जा चाय पीने। हाँ अभी अभी फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा ले। माँ संध्या नहीं आई अब तक? ये तो रोज का है, उसका तो कोई टाइम ही नहीं होता आने का। होगी किसी काम में माँ, वैसे भी ये स्कूल खत्म होने के बाद ना टीचर्स को बहुत काम होता है। काश हम ऐसे ही रहते। मैं हूं ना तुम्हारे से। मेरा तो दम घुटता है उस घर में, मेरी ना आंखों में चुभता है वो लल्लू लाल। कहां मैं इतनी खूबसूरत और
कहा वो लल्लू लाल। तो छोड़ दो उसको और मेरे पास आ जाओ। छोड़ सकती तो छोड़ देती, पर मेरी माँ है ना, अगर मैंने ये लल्लू लाल को छोड़ने का सोचा भी ना तो मुझे जान से मार देगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तुम उसे छोड़ नहीं सकती और वो तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं। कितनी बेइज्जती करती हूँ मैं उस लल्लू की, कितना कुछ सुनाती हूँ उसको, लेकिन नहीं छोड़ता ही नहीं है। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, इतना परेशान करूंगी ना उसको कि देखना एक दिन खुद मुझे छोड़ देगा। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फूल। हेलो, कहाँ हो संध्या, आई नहीं अभी तक? कहाँ हूँ मतलब, ये कैसा सवाल है, तुम शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं, वो मैं ऑफिस से घर आया और तुम थी नहीं ना। हाँ तो तुम घर आओगे तो क्या मुझे भी आना चाहिए? नहीं, एक्चुअली बहुत लेट हो गया है ना, और माँ भी परेशान हो रही थी। तुम और तुम्हारी माँ, मुझे जीने नहीं देना। हेलो, चलो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। ये लो। थैंक्स, बाय बाय। परफ्यूम लगाकर हीरो बनने चले हो? संध्या, मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया है। कल तुम्हारी छुट्टी है ना, तो कल हम शॉपिंग करने चलते हैं। तुम मेरे लिए कपड़े पसंद करना और मैं वही कपड़े पहनूंगा और मैं भी हीरो जैसा दिखूंगा। शक्ल देखिए अपनी आईने में, कुछ भी पहन लो हीरो तो तुम कभी नहीं लगोगे। हीरो जैसी बात होगी तो हीरो दिखोगे ना। तुम लल्लू थे और लल्लू ही रहोगे। हीरो बनने चले। सुनो, तुम अभी जाओ, कल मिलते हैं। क्या यार, अभी मुझे आया 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? समझा करो ना यार, अर्जेंसी है। बड़ी मुश्किल से घर वालों को झूठ बोल के आई हूँ और तुमने मुझे वादा किया था कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन तुम मुझे घुमाने ले जाओगे। अच्छा सुनो, अब ऐसा करो, अभी जाओ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, नहीं तो मेरी लग जाएगी। प्लीज, वैसे तो हमेशा संडे संडे ही मिलते हो और अब तुम। अरे मेरी माँ आने वाली है घर पे, अगर उसने हमें साथ देख लिया तो बवाल मचा देगी। सो प्लीज जाना मेरी माँ, प्लीज प्लीज। अच्छा सुनो, ये रखो, अपना बर्थडे मनाओ, चलो। हाँ जा रही हूँ। जाओ ना। तू इतना उदास क्यों है?
मैं लल्लू दिखता हूँ माँ। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं दिखता। अरे तू तो एकदम हीरो है हीरो। हाँ सही कहती, आप तो माँ हो ना, इसीलिए आपको मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। लेकिन आप एक एक लड़की, एक औरत की नजर से भी तो देखो और सोचो। पता है तू जितना सुंदर बाहर से है ना, उससे भी ज्यादा अंदर से। संध्या की बदनसीबी भी है जो उसे तेरी कदर नहीं है। तू उसके लिए अपने आप को दुख मत पहुंचा, जैसा भी है बहुत अच्छा है। चल अब नाश्ता कर। संध्या, किससे बात कर रही हो? मेरी माँ से। अच्छा, ला मैं भी बात कर लूँ। तो अपने फोन से कीजिए ना। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, तुम उसे बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। दम घुटता है मेरा इस घर में, चैन से फोन पे बात भी नहीं कर सकती हूँ। पीछा छोड़ो मेरा, बख्श दो मुझे। संध्या, संध्या, क्या हुआ माँ? मैं तेरी माँ हूं और मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगी, और ये भी नहीं चाहूंगी कि तेरा घर टूटे। और मैं उन माओं में से भी नहीं हूं जो अपने बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काती है। आप ना, आप आइए, बैठिए, बैठो। मैं जानता हूं मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सास, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही? संध्या के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब? बेटा वो जब तुम घर में नहीं होते हो ना, तो पूरा पूरा दिन फोन पे न जाने किससे बात करती रहती है। माँ, दोस्त यार होंगे या उसके घर वाले होंगे। नहीं बेटा, उनमें से कोई नहीं है। आप भी ना। देख बेटा, मैं भी एक औरत हूँ, और एक औरत दूसरी औरत की नजर और उसके चाल ढाल को अच्छी तरह समझती है। संध्या जिस रंग ढंग से बात करती है ना, बताना नहीं चाहिए, लेकिन किसी और तरफ इशारा करते हैं। माँ, आप ना बहुत सोचती है, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तू बहुत बोला है रे, बहुत बोला। चमकने वाली चीज हमें आकर्षित करती है, पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। ये चमक ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, एक न एक दिन इसकी चमक फीकी पड़ जाती है। संध्या का जिंदगी को देखने का नजरिया भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो अपनी जीवन से खुश नहीं थी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसे वो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। शादी एक पवित्र रिश्ता है, और जो लोग इस बंधन में नहीं बंधना चाहते, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। संध्या और गौतम की शादी करने का फैसला सही नहीं था। संध्या जो आकाश की दीवानी थी, वो चमकदार चीज आकाश जो उसे धोखा दे रहा था, ये तो होना ही था। तो अब आगे क्या? संध्या का ये सफर उसे कहां लेकर जाने वाला था?
वैसे आज तो तुम बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो। सॉरी, मैं गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा बच्चा ऐसे ही खुश रहे, तुझे किसी की नजर ना लगे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। हो गया मेरी जान। क्या? लव यू यार। गौतम मुझे नहीं छोड़ेगा और एक दो महीने में मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। तुमने तो कहा था कि हम दोनों एक हो जाएंगे। मम्मी एक होंगे। पर कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। देखेगा। वैसे मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। तुम बताओ तो यार, तुमने लालू लालू को पटाया कैसे? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं संभाल लूंगी। तो बस वैसे ना, भगवान ने ना तुम्हें इस खूबसूरती के साथ ना एक शैतानी दिमाग भी दिया। मुझे ना तुमसे डर लगने लगी। आगे क्या करने का इरादा है? देखते जाओ। आ रह गई थी कब से दरवाजा? संध्या, ये कौन सा टाइम स्कूल से घर आने का? माँ प्लीज, अब आप जया मत बनो। तमीज से बात करो संध्या, वो तुम्हारी पति की माँ है। जीना हराम किया हुआ है मेरा माँ और बेटे दोनों ने। सुधर जा, अभी भी वक्त है। अच्छा, तो मतलब आपको जया का फोन आया था, है ना? मैंने उनको फोन किया तभी मुझे पता लगा। तू किससे बातें करती रहती है फोन पे? दोस्तों से और किससे? शादी हो गई तुम्हारी, ये दोस्ती यारी कम कर और गौतम जैसा पति मिला है उसमें ध्यान दे। जिस दिन मुझे पता चला ना कि तुम्हारी नजरें इधर उधर घूम रही है, जिस खूबसूरत चेहरे पे नाज करती है ना तुम, बिगाड़ के रख दूंगी मैं। माँ क्या ही आप मेरे पीछे पड़ी रहती हो हमेशा, जब भी घर पे आती हो तभी सुनाती हो, विश्वास ही नहीं है तुम्हें मुझ पे। अब के संध्या, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है, आपके बेटी माँ बनने वाली है। बधाई हो आपको भी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो?
कहाँ जा रही हो मतलब? अरे तुम्हारा इस हालत में काम करना अच्छी बात नहीं बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। घर पर रहूंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। लेकिन बेटा। माम एक दो महीने काम करने दो इसे, फिर संध्या आराम कर लेगी। अच्छा अच्छा मैं अभी आई। संध्या बेटा अब जाओ। गौतम बेटा जा इसे छोड़कर आ। अरे नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं आज से हर रोज मैं तुम्हें छोड़ूंगा। माँ बेटे अकेले अकेले खा रहे। पापा को भूल गए क्या? वैसे बेटा तेरी माँ बहुत स्मार्ट है, उसने ना उस लल्लू लाल को बेवकूफ बना ही दिया और उसको यकीन दिला दिया कि तू उसका बच्चा है। ऐसे ये सब तुम करती कैसे हो? क्या हुआ तुम ठीक हो ना? आकाश में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। पर अब क्या होगा? अब वक्त आ गया तुम्हारी बीवी बनने का। अब बस देखना मैं कैसे वो लल्लू लाल के करीब जाती हूँ और उसे इस बच्चे का बाप बनाती हूँ। That's my girl. यहाँ तक तो पहुंच गए। आगे क्या सोचा है? आकाश गौतम मुझे नहीं छोड़ेगा और एक दो महीने में मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। संध्या मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जी सकता और तुम महीनों की बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता, लल्लू लाल को छोड़ो, और तुमने तो कहा था कि हम दोनों एक हो जाएंगे। हम एक होंगे। पर कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। रहती है बस, अभी फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो आ गई मेरे पास। ये तेरा लवर बॉय आकाश किसी और लड़की के साथ है? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या कर रही है तू ये? क्या मतलब? मतलब ये कि आकाश के साथ तेरा क्या रिश्ता है? आकाश मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और क्या। संध्या मैं गौतम नहीं हूँ समझी? देख प्राची तुझे तो पता ही है कि मुझे हमेशा आकाश जैसा लड़का चाहिए था। चाहिए था, था हाँ, लेकिन वो तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। गौतम है और उसका बच्चा है, समझ इस बात को और अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरी जिंदगी आबाद हो रही है आकाश के साथ और बर्बाद हो रही है गौतम के साथ। ये जो तेरी आंखों पे पट्टी लगी है ना, इसे उतार और असल जिंदगी को पहचान। वैसे तुझे क्या लेना देना है, तू अपना लेक्चर अपने पास रखना। आई होप कि ये बच्चा आकाश का नहीं है। देख संध्या, दो नाव पे सवार होगी तो तू ही डूबेगी, ये बात याद रखना। अभी भी वक्त है, संभाल ले खुद को। इतनी अच्छी खासी जिंदगी है तेरी, क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई है? अब ये सब कुछ तेरे ऊपर है, या तो संभाल ले या बर्बाद कर दे। कई बार हमारे आसपास ऐसी कई चीजें होती है
जो हमें इशारा दे रही होती है। हमें इन इशारों को समझना चाहिए, पर कई बार हम उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन पागलों की तरह आंखें मूंद कर किसी से प्यार करना सही नहीं है, और उनकी हरकतों को नजरअंदाज करना भी गलत है। अगर आपके आसपास कोई भी चीज हो रही हो, पहले आप उसे देखो, समझो, परखो, फिर कदम उठाओ, वरना गिरोगे आप ही। अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको सही नहीं लग रहा है, तो पहले आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे संभला नहीं जाता, तो फिर आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। बस अपनी आंखें खुली रखिए। ये क्या? अभी के लिए रख लो, बाकी बाद में देती हूँ। संध्या, लव यू। उस दिन मेरी बातों का बुरा मान गई थी। तेरी अच्छी दोस्त हूं मैं, तेरे भले के लिए बोल रही थी। ये मेरी शादी का कार्ड है, तू जरूर आना। पक्का आऊंगी। आकाश नहीं दिख रहा आज, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पे आराम कर रहा है। ठीक है, मैं उसके घर पे जाके उसको शादी का कार्ड देती हूँ। प्राची, तुम यहाँ क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारा घर है, जो मर्जी हो, पर अभी कैसे? कुछ नहीं, मैं तो बस शादी का कार्ड देने आई थी। कांग्रेस। क्या हुआ बेबी, कौन है? हाय, ये शालिनी है, पड़ोस में रहती है। बस अभी फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो आ गई मेरे पास। सो आई एम हेल्पिंग हर जस्ट। प्राची, ठीक है आकाश, मैं निकलती हूँ। हाँ, मिलते हैं ना कल कॉलेज में। बाय बाय, सी यू। हेलो। हाँ संध्या, ये तेरा लवर बॉय आकाश किसी और लड़की के साथ है, और इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं, ये आकाश का बच्चा है, और मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं है गौतम। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पागल हो गई, क्या बकवास कर रही है? आकाश बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बकवास कर रही हूँ तो तू एक काम क्यों नहीं करती, तू खुद ही जाके देख ले। संध्या, संध्या मेरी बात तो सुनो। संध्या, हो गई तुम्हारी तसल्ली? पहले किचन, फिर हॉल, फिर बेडरूम, और तुमने तो बाथरूम तक नहीं छोड़ा। यार तुम मेरे पे इतना सा विश्वास नहीं करती? यार वो प्राची आग लगाने आई थी, उसने तुम्हें झूठ बोला, मेरे नेबरहुड में रहती है। साला थे ऐसे रिश्ते पे छापे विश्वास ही नहीं। सॉरी आकाश, गलती एक्चुअली मेरी है, मुझे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, पर अब वक्त आ गया है कि अब हम एक हो जाएं।
वो कैसे? मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलती रहूंगी ठीक वैसे करते रहना। बेटा अब मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखना, समझ गए ना? लो आ गए। चलो संध्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, उसके बाद मुझे एक अर्जेंटली मीटिंग में भी जाना है। गौतम आज ना मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे प्लीज मिलाने ले चलो ना। ठीक है फिर चलो। खुश रहो सौभाग्यवती भव। जाओ। थैंक यू। किस लिए? तुमने मुझे मेरी लाइफ का इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट जो दिया है, मैं बहुत लकी हूं कि तुम मुझसे मिले। गौतम गाड़ी रोको। क्यों क्या हुआ? अरे बाहर इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? सच में मैं तो यही देख रहा हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है। वो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी, फिलहाल के लिए बाहर चले। चलो। संध्या प्यार है, तुम नहीं। मुझे बोल देती मैं खुद ही पीछे हट जाता, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अपने आप को बदलने की कोशिश की, सोचा कि मुझ में ही कमी है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया संध्या, सच्चे दिल से, और हमेशा यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या करो कि तुम मेरी हो जाओ, मुझसे प्यार कर बैठो। उसका तुमने मैं ये सिला दिया। मेरे बच्चे की खबर सुन के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और खुश नहीं चाहिए। तुम जो भी जैसा भी बर्ताव करोगे मेरे साथ सब सह लूंगा, खुशी खुशी सह लूंगा। कौन सा बच्चा? ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। ये आकाश का बच्चा है। मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं है गौतम। आकाश हाथ छोड़ो। छोड़ ही नहीं रहा ये। छोड़ 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 मुझे छोड़ छोड़।
छोड़ो, छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ो। आकाश, अपने आप को कहां खड़ी है तू आज? मैंने कहा था ना, दो नाव पे पैर रखेगी तो तू ही गिरेगी। तूने अपने साथ कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आकाश अब नहीं रहा जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एक मां से उसके बेटे को छीन लिया और तेरा खुद का बच्चा जेल में पैदा होगा और पलेगा भी वहीं। संध्या, तू है तुझ पे, तू औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। ले चलो। बच्चा गौतम मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगी? गौतम संध्या की बेवकूफी ने एक नहीं बल्कि चार जिंदगियां बर्बाद की। आकाश, गौतम, जया और उसका खुद का बच्चा। संध्या अपनी ख्वाबों के दुनिया से निकल ही नहीं पाई। वो उसमें इस कदर डूब कर रह गई थी कि उन्हें पूरा करने के लिए उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। सही कहा जाता है कि दो नाव पर कभी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ठोकर लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर बर्बादी से बचना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें खुली रखें। अपनी जिंदगी की हदें हमें खुद तय करनी पड़ती है, वरना कब कौन आपका फायदा उठाकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका एक ही रास्ता है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए, वो भी धैर्य और समझदारी के साथ। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे इजाजत लेती हूँ। एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।